फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शलभ मैं त्यागी। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हेयर स्पा किस तरीके से करना है, और जो हमारे कलर करके या रिबॉन्डिंग करके, स्ट्रेटनिंग करके जो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, तो उन बालों को दोबारा से किस तरीके से हमें ऐसा क्या करें कि हमारे बालों की शाइनी बहुत अच्छे से शाइन करने लगे हमारे बाल और अच्छे से स्ट्रेट भी लगे। तो मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपनी स्पा क्रीम में ऐसी क्या चीजें मिलाएं कि उसका रिजल्ट 100% आए। अगर आपके कस्टमर्स स्पा कराने आते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका रिजल्ट 100% नहीं आ रहा है, तो आप अपनी क्रीम के अंदर, हेयर मास्क के अंदर बहुत ही अच्छी, मैं आपके साथ में एक आज चीजें शेयर करने जा रही हूँ, तो आपको फील होगा कि हमारा रिजल्ट 100% आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर लिया है, ये मैंने इंजो का हेयर मास्क लिया है। इससे आप स्पा भी कर सकते हैं और आप अपना हेयर मास्क के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें किन किन चीजों को यूज करना है, तो वो मैं आपके साथ बताती हूँ। तो यहां पर हमें डालना है थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। अगर आपके बाल लंबे हैं तो एक कटोरी आपका ये हेयर मास्क लग जाएगा। अगर आपकी मीडियम लेंथ है तो आपका आधी कटोरी मास्क ये लगने वाला है। तो इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हमें कैस्टर ऑयल की यूज करनी है। दूसरी चीज हमें मिलानी है इसके अंदर एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं और किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं एलोवेरा जेल। ये मैंने 2 इवियन के कैप्सूल लिए हैं। ये मैंने 3 चम्मच ये हमारा दही है, ये मैंने फ्रेश दही लिया है यहाँ पर। और यहाँ हमें डालना है 1 एग। हमने 1 अंडे का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। एग में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, हमारे बालों को बहुत अच्छे से ये सिल्की शाइनी, बहुत अच्छे प्रोटीन हमारे अंदर देता है ये। लेकिन अगर आप एग को अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं लगाते हैं एग, तो आप यहां पर कैस्टर ऑयल का भी यूज अपना कर सकते हैं, इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं आज हेयर स्पा अपने ही बालों पर कराने के लिए जा रही हूं, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन करनी है और किस तरीके से अपनी इस क्रीम को मिक्स करना है, और आप देखिएगा कि रिजल्ट कितना बेटर आने वाला है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको अपनी मिक्सिंग कितनी करनी है। हमने ली है अपनी इतनी क्रीम, यहां हमें डालना है अपना थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, बस इतनी ही ड्रॉप्स हमें इसकी लेनी है। तो यहां मैंने लिया है एलोवेरा जेल। अब इसको भी आप देखिए हमें कितना लेना है, इतना मैंने यहां पर एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है। अब यहां ली है मैंने अपनी दही, अपनी दही आप ऐड कर दीजिए इसके अंदर। अब ये 2 कैप्सूल लिए हैं मैंने विटामिन ई के, इनका ऑयल आप निकाल लीजिए इसके अंदर अच्छे से। अब यहां पर मैंने अपना लिया है 1 एग। तो अब ये सारी ही सामग्रियां हमारी इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, एक बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के ऊपर हमें इसे लेकर आना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सारा मिक्स हो चुका है हमारा, एक बहुत ही अच्छा हमारा पैक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं अब अपने हेयर्स पर, मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब हमें अपने बालों को 2 सेक्शन में यहाँ पर देखो डिवाइड कर लेना है, सेक्शनिंग कर लेनी है अपने बालों की इस तरह से। अच्छे से टेंगल रिमूव कर लीजिए अपने बालों में से। अब छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए, देखिए छोटे छोटे हमें अपने बाल लेने हैं, और उसके अंदर जो हमने अपनी क्रीम बनाई है उसको इस तरीके से आप लगाएंगे, रूट से लेकर लगाइए अच्छे से अपने बालों में, ऊपर से नीचे तक लगाएं। और देखिए किस तरह से हमें मर्ज करना है, बिल्कुल ऊपर से लेकर और बिल्कुल नीचे तक के बाल पर ये क्रीम बहुत अच्छे से लग जानी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आप पहले ऊपर से नीचे करेंगे, फिर नीचे से हल्का हल्का ऊपर उठाइए। उससे क्या होगा, जितने भी आपके 2 मुंहे बाल होंगे वो भी आपके हाथ के हाथ यहाँ पर
निकल जाते हैं। तो बस यही है, आप छोटे छोटे से सेक्शन निकालते जाएं, बड़ा सेक्शन बिल्कुल ना लें, और रूट से लगाते हुए बिल्कुल एंड तक अपने बाल पर इस क्रीम को बहुत ही अच्छे से एप्लीकेशन करनी है आपको, और बहुत अच्छे से मस्टिफाई करना है। ये देखिए कितने अच्छे से हम मर्ज कर रहे हैं। जितने अच्छे से आप अपने बालों पर इस क्रीम को अप्लाई करेंगे, उतना ही आपका बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। ये जो बाल कलर करे हुए होते हैं, रिबॉन्डिंग करे हुए होते हैं, स्मूथनिंग केराटिन जो हम कराते हैं, जितने भी हम केमिकल लगवाते हैं ना अपने बालों पर, बाल तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम अपने बालों की केयर नहीं करेंगे तो वो डैमेज भी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। इसलिए हेयर स्पा हमें लेना वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप घर पर भी इसकी केयर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए अब हम अपने सारे ही बालों में थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर अपनी क्रीम को यहाँ पर अप्लाई करते जा रहे हैं। जड़ों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करना है और इसकी मसाज भी देते हुए चलना है हाथ के हाथ। अब देखिए सारे ही बालों में हमारे क्रीम लग चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमें देनी है कम से कम 5 मिनट की मसाज, हमें इस तरीके से देनी है। इसमें ये क्रीम बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जानी चाहिए हमारे सारे ही बालों में। ऊपर से तो लग चुकी है, लेकिन अंदर भी हमारी जड़ों के अंदर बहुत अच्छे से मसाज हो जानी चाहिए इसकी। आप 5 मिनट तक इसकी मसाज दें बहुत अच्छे से, और यहाँ पर मैंने मसाजर से भी इसकी मसाज दी है, ये देखिए। अगर आप मसाजर से कर सकते हैं तो मसाजर से भी इसकी आप मसाज दीजिए, और अपने फिंगर टिप्स से भी आप मसाज करिए अपने बालों की, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है इसका। और मसाज करने से एक जो सुकून मिलता है ना, हाथों से मसाज करने से जो सुकून मिलता है वो तो बस बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमें देनी है मसाज करने के बाद स्टीम। यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए स्टीम कराई है अपने बालों पर। तो हमें यहाँ पर स्टीम देनी है कम से कम 10 मिनट के लिए। अब स्टीम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप अपने बालों पर शावर कैप लगा लीजिए यहाँ पर। और ये देखिए बाल मैंने धोकर यहाँ पर वॉश कर दिए हैं। ये मैंने आधा घंटे के लिए अपने बालों पर रोका था, उसके बाद शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है। हेलो, तो देखिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है, तो देखिए मेरा कैसा आया है रिजल्ट। ये देखिए मेरे बाल कितने सिल्की और शाइनी लग रहे हैं, है ना। ये देखिए कितने स्मूथ हो गए हैं बाल। मेरे बालों में थोड़ा थोड़ा कलर है, इसलिए ये डैमेज जल्दी हो जाते हैं, तो हेयर स्पा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको मेरी ये टेक्निक पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप अपने क्लाइंट पर और अपने आप पर इस तरीके से हेयर स्पा कीजिए, और अपने कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा आया। Goodbye!